हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CSE ने एक नई सर्विस शुरू की है जिसमें हमें अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस को रजिस्टर्ड करना जरूरी है। अगर हमने अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस को रजिस्टर्ड नहीं किया तो हम अपने CSE में कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे, जैसे कि PNG दिशा, DGPay और आधार रिलेटेड जो भी हम काम CSE में करते हैं वो हम नहीं कर सकेंगे अगर हमने CSE में अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस को रजिस्टर्ड नहीं किया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताएंगे कि हमें अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस को कैसे रजिस्टर्ड करना है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूंगा एक गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे डिजिटल सेवा पोर्टल में और जहाँ पर जाकर हम लॉगिन हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि हमने पहले से अपना डिजिटल सेवा पोर्टल खोल रखा है, उसमें हम लॉगिन हो रहे हैं और जहाँ पर हम सर्विस में जाकर सर्च करेंगे आधार रजिस्टर्ड, तो हमें एक टैब दिखाई देगी और हम जहाँ पर दिखेगा आधार रजिस्टर्ड डिवाइस CSE सर्विस, तो हम जहाँ पर क्लिक के हेयर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जब हमने क्लिक के हेयर पर क्लिक किया तो हमें रीडायरेक्ट होकर एक साइड पर ले जाएगी और हम इस साइड में आ जाएंगे। जब हम इस साइड में आ जाएंगे तो हमें सिंपली पहले तो लॉग इन विद डिजिटल सेवा कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें आधार रजिस्टर्ड डिवाइस में क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमें एक साइड पर ले जाएंगे जहाँ पर हमें रजिस्टर करना, तो इसमें हम क्लिक करते हैं और फिर हम आधार रजिस्टर्ड डिवाइस पर क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने पहले लॉग इन विद डिजिटल सेवा पोर्टल पर क्लिक कर और फिर आधार रजिस्टर्ड डिवाइस पर क्लिक करके हम इस साइड पर आ गए हैं और जहाँ पर हमें दो टैब दिखाई देगी, एक तो आधार रजिस्टर्ड डिवाइस और व्यू रजिस्टर्ड डिवाइस। ये टैब तो उसके लिए है जो हमने रजिस्टर्ड डिवाइस करने हैं, जो कि हमें अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस को रजिस्टर करना है, और ये इसके लिए है जो हमने डिवाइस रजिस्टर्ड किए हैं वो देख सकें कि हमने कौन कौन सा डिवाइस रजिस्टर्ड किया है। तो हम आधार रजिस्टर्ड डिवाइस में क्लिक करेंगे, अभी तो हमने अपना डिवाइस रजिस्टर्ड करना है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें एक रिट्रेट होकर एक साइड पर लिया है जहाँ पर CSE और डिजिटल इंडिया का एक लोगो है और जहाँ पर हमें दिखाई देगा आयरिस और फिंगरप्रिंट। आयरिस पर तो क्लिक नहीं होगा जैसे फिंगरप्रिंट के लिए, तो हमें फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है पहले तो, और जहाँ पर डिवाइस नेम सिर्फ मोर्फो ही दिखाएगा क्योंकि अभी सिर्फ मोर्फो की परमिशन मिली है CSE में, और जहाँ पर हम सिर्फ डिवाइस में एक मॉडल पूछेगा कि आपका डिवाइस के कौन सा है, जैसे कि आपका कोई डिवाइस हुआ MSO 1300E2, MSO 1300E3, MSO 1300E1, जो भी आपका मॉडल हो आप जहाँ पर फिल कर दें, और जहाँ पर आपको अपना डिवाइस सीरियल नंबर फिल करना है, और ये आपका सीरियल नंबर कौन सा होगा आपको अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस के पीछे की तरफ से मिलेगा, SN लिखा हुआ उसे सीरियल नंबर कहेंगे, और जहाँ पर पार्ट नंबर फिल करना है जहाँ आपको वहीं पर आपको PN के नाम से एक पार्ट नंबर दिखाई देगा वो आपको जहाँ पर फिल कर देना है। जब ये आप तीनों चीज़ें फिल कर देंगे तो आपको नीचे आना है जहाँ पर आपको आपका नेम फिल करना है, जहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। जब ये आप ये कार्य फिल सबमिट कर देंगे, सब कुछ फिल करके सबमिट कर देंगे तो आपकी फिंगरप्रिंट डिवाइस CSE में रजिस्टर्ड हो जाएगी। आप एक से ज़्यादा भी फिंगरप्रिंट डिवाइस को इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रजिस्टर्ड कर सकेंगे, आप ज़्यादा भी फिंगरप्रिंट डिवाइस को इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बी एल भाइयों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।